बस्मिल्ल रहीम आज हम मॉड्यूल वन थर्टी डिस्कस करेंगे मॉड्यूल वन थर्टी है अबाउट क्रिटिकल सेक्शन ऑब्जेक्ट जिस तरह हमने प्रीवियसली देखा है, है कि सपोर्ट करती है फॉर एंड म्यूचुअल ये क्रिटिकल सेक्शन एक विंडोज का ही ऑब्जेक्ट है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं टू इनफोर्स या म्यूचुअल क्रिटिकल सेक्शन वैसे आपको पता है जनरली क्रिटिकल सेक्शन क्या है क्रिटिकल सेक्शन आपके प्रोग्राम का एक पार्ट है एक पार्ट ऑफ द कोड है और वो कोड ऐसी सेंसिटिव है कि जिसको आप कंकरेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अगर उस कोड को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, रिजल्ट्स जो हैं हो सकता है आपके सामने सही ना आए तो उसको एक वक्त में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक वक्त में सिर्फ एक ही थ्रेड एंटर हो सकती है और बाकी थ्रेड्स जो हैं वो वेट करेंगी जब तक कि प्रीवियस थ्रेड निकल नहीं आती क्रिटिकल सेक्शन में से मजीद सब्सिक्वेंट कोई भी थ्रेड जो है तो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं हो सकती तो ये एक मेन प्रिंसिपल है अबाउट क्रिटिकल सेक्शन। आप क्रिटिकल सेक्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट uh, प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज आप उस ऑब्जेक्ट को यूज करके ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है इस तरह की इनफोर्स कर सकते हैं तो ये एक बड़ा सिंपल लॉकिंग सिस्टम है क्रिटिकल सेक्शन जो ऑब्जेक्ट है उस विंडोज उसके लिए एक बड़ा सिंपल लॉकिंग सिस्टम सपोर्ट करती है जो कि आपकी ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है क्रिटिकल सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप इनिशलाइज भी कर सकते हैं उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट का कोई हैंडल नहीं है इस ऑब्जेक्ट में जो नई चीज़ है वो ये है कि इसका कोई हैंडल नहीं है जिस जो भी इस ऑब्जेक्ट को ओन करता होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सकेगा और जो ओन नहीं करते वो उसके लिए वेट करेंगे जब उनकी बारी आएगी तब भी वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकेंगे तो हैंडल नहीं है इसलिए ये प्रोसेसेस के बीच में इस तरह से शेयर नहीं होता एक वक्त में एक ही थ्रेड जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को ओन कर सकती है मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को ओन नहीं कर सकती है, लेकिन मल्टीपल जो थ्रेड्स हैं इसके ऊपर वेट कर सकती हैं फिर आ, जो आ, ऐसी थ्रेड्स हैं जो कि क्रिटिकल सेक्शन के लिए वेट कर रही हैं उनका जो सीक्वेंस है कि किस ऑर्डर के अंदर किसको क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा वो डिटरमिन करना भी पॉसिबल नहीं है वो डिटरमिनिस्टिक नहीं है वो कोई भी ऑर्डर हो सकता है वो एट रन टाइम ही डिटरमिन होगा कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन होगा जो कि क्रिटिकल सेक्शन को अक्वायर कर सकेगा एक वक्त में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक ही प्रोसेस हो सकता है लेकिन एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में कई दफा एंटर करने की ट्राई कर सकता है यानी कि क्रिटिकल सेक्शन एक पार्ट ऑफ कोड है थ्रेड जो है एक जो थ्रेड है वो कई दफा उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की ट्राई करेगी लेकिन एक वक्त में एक ही थ्रेड किसी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद होगी एक से ज्यादा थ्रेड्स नहीं होंगे जो कि क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही हो तो इस क्रिटिकल uh, सेक्शन को क्रिएट करने के लिए डिलीट करने के लिए इनिशियलाइज़ करने के लिए जो फंक्शन uh, यूज होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं पहला फंक्शन है इनिशियलाइज क्रिटिकल सेक्शन इसके अंदर आप लॉन्ग पॉइंटर टू क्रिटिकल सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन आपका एक ऑब्जेक्ट है विंडोज़ का ऑब्जेक्ट है और उसका जो लॉन्ग पॉइंटर है वो पास करेंगे क्योंकि ये फंक्शन जो है उसको चेंज करेगा एक तरह का ये वेरिएबल पैरामीटर है रेफरेंस पैरामीटर है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग पॉइंटर पास करना पड़ेगा जो क्रिटिकल सेक्शन का ऑब्जेक्ट है उसका आप रेफरेंस पास करेंगे और ये क्रिटिकल सेक्शन को इनिशलाइज़ करेगा उसको यूज़ करने से पहले आपने इनिशलाइज़ करना है और जब आप यूज़ कर लेंगे जब आपकी सारी थ्रेड्स ख़त्म हो जाती हैं और आपको क्रिटिकल सेक्शन की ज़रूरत नहीं तो आपने ज़रूर उसको डिलीट करना है जिस तरह के आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ देखा कि ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को डिलीट भी करते हैं फिर वंस ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले आप जो फंक्शन कॉल करेंगे वो एंटर क्रिटिकल सेक्शन है और जब भी एक थ्रेड जल्द से जल्द क्रिटिकल सेक्शन में से बाहर निकलने की कोशिश करेगी ही वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगी उसने फ्लैग कर देना है कि जी मैं क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलने लगी हूँ कैसे फ्लैग करेगी वो लीव क्रिटिकल सेक्शन का फंक्शन कॉल करेगी एंटर होने पे एंटर क्रिटिकल सेक्शन कॉल करेंगे इस क्रिटिकल सेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर और निकलने पे लीव क्रिटिकल सेक्शन कॉल करेंगे इस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलने पर ये जो क्रिटिकल सेक्शन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं विद इन अ सिंगल प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस के बीच में एक क्रिटिकल सेक्शन जो है वो शेयर नहीं होगा लेकिन विद इन अ सिंगल प्रोसेस कई थ्रेड्स हो सकती हैं उन कई सारी थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए आप एक ही क्रिटिकल सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे या किसी भी एक स्पेसिफिक शेयर्ड वेरिएबल को सिंक्रोनाइज करने के लिए आप एक स्पेसिफिक क्रिटिकल सेक्शन का इस्तेमाल करें तो जब भी आप एंटर क्रिटिकल सेक्शन कॉल करें तो लीव क्रिटिकल सेक्शन कॉल करना लाजमी है अगर लीव क्रिटिकल सेक्शन आप नहीं कॉल करते तो उस सूरत में क्या कर हो सकता है डेड लॉक्स उस सूरत के अंदर हो सकता है कि आपका कोई और थ्रेड जो है वो कभी भी अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर ना हो सके ये वाली थ्रेड हमेशा ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है हर चीज़ उसकी एज इसी तरह एग्जीक्यूट हो एज इफ कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और कोई दूसरी थ्रेड जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो ही ना सके तो जब भी एंटर करना है तो लीव भी मस्ट करना मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो कॉल कर सकती हैं एंटर क्रिटिकल सेक्शन को लेकिन जितनी भी कॉल करती हैं उनमें से सिर्फ एक ही अलाउ की जाएगी एक ही अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो सकेगी बाकी सारी ब्लॉक हो जाएगी जो ब्लॉक हुई हुई है वो कब अनब्लॉक होंगी जब लीव क्रिटिकल सेक्शन को कॉल किया जाएगा लीव क्रिटिकल सेक्शन पे जिसने एक लीव क्रिटिकल सेक्शन को कॉल किया होगा वो अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाएगी उसके पास क्रिटिकल सेक्शन की ओनरशिप ख़त्म हो जाएगी और जो ब्लॉक थ्रेड्स हैं उनमें से किसी एक को क्रिटिकल सेक्शन की ओनरशिप मिल जाएगी यहाँ पे अब आप देखें एंटर क्रिटिकल सेक्शन जो है इसको भी आपका जो क्रिटिकल सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है जिसको कि पहले आपने इनिशलाइज़ किया था उस ऑब्जेक्ट का आप रेफरेंस पास करेंगे तो एंटर क्रिटिकल सेक्शन कॉल होगा अगर ये कॉल कामयाब हो जाती है तो इसको क्रिटिकल सेक्शन की ओनरशिप मिल जाएगी अदरवाइज़ जो थ्रेड है वो ब्लॉक हो जाएगी कब तक ब्लॉक रहेगी तब तक ब्लॉक रहेगी जब तक कोई जो थ्रेड जिसके पास क्रिटिकल सेक्शन की ओनरशिप है वो लीव क्रिटिकल सेक्शन नहीं कॉल करती तो लीव क्रिटिकल सेक्शन को कॉल करने के लिए भी आपको क्रिटिकल सेक्शन का रेफरेंस ही पास करना है एक फर्ज करें कि जी एक थ्रेड जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाती है और एंटर होने के बाद फिर से एंटर क्रिटिकल सेक्शन कॉल करती है एक तो वंस उसने कॉल किया था क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के बाद एंटर होने से पहले क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो गई एंटर होने के बाद अगेन एंटर क्रिटिकल सेक्शन को कॉल कर सकती है अब क्या होगा अब ये होगा कि वो मल्टीपल टाइम्स एंटर क्रिटिकल सेक्शन कॉल कर सकती है वो मल्टीपल टाइम्स ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होती जाएगी जब भी वो एंटर कर अगर ऑलरेडी वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और उसके बाद फिर से एंटिकल एंटर क्रिटिकल सेक्शन वो कॉल करती है तो वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ही रहेगी इनको कहते हैं रिकर्सिव कॉल्स विंडोज़ जो है क्रिटिकल सेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए जो रिकर्सिव कॉल्स हैं वो सपोर्ट करती है इसलिए सपोर्ट करती है ताकि आप रिकर्सिवली रिकर्जन को यूज कर सकें थ्रेड्स के अंदर अगर एक फंक्शन के अंदर एंटर क्रिटिकल सेक्शन हो रहा है तो उस फंक्शन को आप रिकर्सिवली कॉल करें तो फिर कई दफ़ा एंटर क्रिटिकल सेक्शन होगा लेकिन ये याद रखें जितनी दफ़ा एंटर क्रिटिकल सेक्शन हुआ उतनी दफ़ा ये आपको लीव क्रिटिकल सेक्शन करना लाजमी है अगर नहीं करेंगे तो वही डेड लॉक वाला मसला सामने आएगा तो मैच करना चाहिए एग्जैक्टली exactly जितनी दफा एंटर हुआ अगर एक थ्रेड दो दफा उसने एंटर कॉल किया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर या तीन दफा कॉल किया तो उसको तीन दफा ही लीव क्रिटिकल सेक्शन को कॉल करना बिल्कुल मैचिंग अमाउंट के अंदर उसको लीव क्रिटिकल सेक्शन को कॉल कर पड़ेगा और दूसरा मकसद इसका यह है कि थ्रेड सेफ लाइब्रेरी शेयर्ड लाइब्रेरीज होती हैं हमने पहले जिस तरह डिस्कस किया था डी होती हैं शेयर्ड तो उसके अंदर भी कोई क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है तो अगर आप एक थ्रेड के अंदर लाइब्रेरी फंक्शन कॉल कर रहे हैं और लाइब्रेरी फंक्शन आगे फिर से क्रिटिकल सेक्शन को ऑन करने की कोशिश कर रहा है तो वो फिर एंटर क्रिटिकल सेक्शन कॉल करेगा तो इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए रिकर्सिव एंटर क्रिटिकल सेक्शन की कॉल्स जो है वो विंडोज़ सपोर्ट करता क्रिटिकल सेक्शन पे कोई टाइम आउट नहीं है अगर एक थ्रेड uh, जो है क्रिटिकल सेक्शन कॉल करके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हुआ है अब वो काफ़ी देर तक चलता जा रहा है चलता जा रहा है और लीव नहीं कर रहा तो कोई ऐसा तरीका नहीं गया उससे क्रिटिकल सेक्शन को छुड़वाया जा सके कोई टाइम आउट मैकेनिज्म नहीं एग्जिस्ट करता फॉर दिस ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक उसका हमें डिसएडवांटेज नज़र आ रहा है आगे चल के देखेंगे कि सर्टेन ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये डिसएडवांटेज खत्म हो जाता है एक और डिसएडवांटेज हमने ये देखा कि क्रिटिकल सेक्शन जो है वो सिर्फ Uh, एक ही प्रोसेस uh, के अंदर यूज हो सकता है अमंग नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रॉस प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस के बीच में ये यूज नहीं हो सकता तो मैचिंग लीव क्रिटिकल सेक्शन कॉल करना जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर नहीं कॉल करेंगे तो वो फंसा रहेगा वहाँ पे ही फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होने लगे हैं तो एंटर होने से पहले आप पोल करके देखें कि ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन इस थ्रेड ने एक्वायर तो नहीं किया हुआ तो उसके लिए भी सर्टेन फंक्शन अवेलेबल हैं उसके लिए हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है ट्राई एंटर क्रिटिकल सेक्शन आप इस फंक्शन को कॉल करके क्रिटिकल सेक्शन का रेफरेंस पास करेंगे अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब है कि जो करंट थ्रेड है वो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन को ऑन करती है अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो इसका मतलब है क्रिटिकल सेक्शन इस वक्त किसी और थ्रेड के पास है तो क्रिटिकल सेक्शन जो होता है ये आपके यूज़र स्पेस के अंदर डिफाइंड होता है और ये कर्नल स्पेस के ऊपर नहीं डिफाइंड होता तो इस चीज़ के आपके पास कह लें कि परफॉर्मेंस एडवांटेजेस आपके पास आ जाते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करने का ये एक एडवांटेज है क्योंकि ये यूज़र स्पेस के अंदर डिफाइंड है यूज़ हो रहा है कर्नल स्पेस के अंदर यूज़ नहीं हो रहा